इंटरसेप्टर पीपल व्हाट्स अप वेरी गुड मॉर्निंग। सो अभी हम लोग हैं भूटान के अंदर, हमारा डे टू है भूटान में एंड डे फाइव है पूरा ओवरऑल रोड ट्रिप का। अभी एग्जैक्टली हम लोग हैं थिम्पू के अंदर में और आज हमारा प्लान था यहाँ से बुद्धा पॉइंट जाने का, बट बुद्धा पॉइंट हम लोग अभी के लिए स्किप कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो है क्या, वहाँ एक बहुत बड़ा स्टैचू है और बहुत अच्छा सा वहाँ से फोटो टाइम लैप्स वगैरह आता है, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि बारिश आज फिर हो सकती है, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं पोनाखा वैली। ऑन द वे एक फोर्ट आता है, उसको विजिट करेंगे और फोर्ट को एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, पोनाखा जोंग। और बीच में एक पास आता है दोचुला पास, 3000 मीटर का एक पास आता है दोचुला पास, उसको क्रॉस करके हम लोग जाएंगे पोनाखा वैली। सो सर वहाँ पे एक फोर्ट है देखने लायक एंड इट इज ब्यूटीफुल प्लेस। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस बिकॉज़ द फोर्ट इज बिल्ट राइट इन द मिडल ऑफ टू रिवर्स। अच्छा, मेल एंड फीमेल रिवर। वाओ, सो दैट प्लेस दोस रिवर्स। एनीवे आई हैव जस्ट हर्ड कि वहाँ राफ्टिंग भी होता है। हां, वाइट वाटर राफ्टिंग होता है। चलो तो दैट्स द प्लान, क्योंकि अभी दोपहर में 3 बजे से 4 बजे तक शायद खुला रहेगा, उसके बाद बंद हो जाता है। टाइमिंग टाइमिंग है 3 to 5। इट्स 3 to 5, ठीक है। विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम 3 से 5 के बीच में पहुंच जाए ताकि हम विजिट कर सकें और आपको वीडियो में दिखा सकें। बाय द वे हमारे साथ है पाजी, आपका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इनको यहाँ सब पाजी कहते हैं क्योंकि इनको हिंदी बहुत बढ़िया आता है। थैंक यू, है ना। तो ही इज हेल्पिंग अस विद एवरीथिंग यहाँ पे लोकल में भी, और आज सुबह में भी बहुत देर लगा परमिट लेने के लिए, आरटीओ से परमिट लेने के लिए। तो एग्जैक्टली कौन से परमिट हमें यहाँ से लेने पड़ते हैं आगे जाने के लिए? सो फुंसलिंग से आपको मिल जाता है एंट्री परमिट। ओके, सो एंट्री परमिट फिर इधर आके, क्योंकि डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शंस गुजर रहे हैं ना, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट गुजर रहे हैं, इसलिए इधर से एमएन करना पड़ता है, एक्सटेंड करना पड़ता है। सो इमिग्रेशन का भी करना पड़ता है, फिर व्हीकल का भी करना, दोनों का करना पड़ता है और दोनों में काफी टाइम लग जाता है। इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, बट एनी वेज इन बिटवीन व्हाट वी डिड इट कि हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर किए पास में एक जो क्लॉक टावर है दैट इज द सिटी स्क्वायर, उसको थोड़ा सिटी सेंटर को हमने एक्सप्लोर किया, पास में गए लोकल, थोड़ा सा फूड ट्राई किया, मजा आया। ऑल्दो ब्लॉग नहीं किया बट अभी सब रेडी है, थोड़ा सा गला भी बैठ गया, इनका गला बैठ गया है बोल के चिल्ला के, एग्जर्शन की वजह से, है ना, इन लोगों के वजह से, हमारे वजह से रेडी नहीं होते। निकलो। मैं सबसे पहले मैं उठता हूँ, सबसे पहले मैं रेडी होता हूँ और उसके बाद सबका वेट करना पड़ता है। सो ये पिछले 5 दिन से हो रहा है, बट कोई बात नहीं, ठीक है, बिकॉज सी वी बिलीव इन एंजॉयमेंट एंड एट द एंड ऑफ द डे बहुत एंजॉयमेंट हो रहा है। लेट नाइट तक टॉक चल रहा होता है, कल भी 2 बजे तक सारे एक ही रूम में बैठ के मस्तीबाजी कर रहे थे, 1-2 घंटा ऊपर नीचे लेट हो गए तो चल जाता है। टाइमिंग बाद में पहले भाई चारा, ब्रदरहुड, यस सही है। तो मजा आ रहा है इंटरसेप्टर का, बहुत मजा, परफेक्ट। आप चलाएंगे ना? मैं चलाऊंगा, हाँ बिल्कुल सही है, सही है। आज जहाँ टाइम लगेगा मैं कोशिश करूंगा इंटरसेप्टर चलाऊंगा और आप लोगों को मैं ओवरव्यू दूंगा। सो दैट्स द सीन, और इनफैक्ट मुझे वहाँ पे कुछ पहाड़ों के ऊपर बर्फ भी दिख रही है और रात को टेम्परेचर यहाँ पे 6-7 हो गया था और सुबह हमने चेक किया था जब हम उठे थे, दैट वाज अराउंड 11। अभी बीच में धूप निकला था बट अगेन दोबारा क्लाउडी हो गया, तो बारिश होने की पूरी चांसेस है। D2 बेसिकली जाम रुके हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ से अगर ये रास्ता पकड़ लें हम लोग सीधा जाता क्लॉक टावर को, एंड जस्ट बिहाइंड दिस आपको देखने को मिलेगा ली मेरिडियन। एंड इनफैक्ट हमारी बाइक्स रात में ऐसे ही पार्क थी ओपन में, बट इट इज़ सो सेफ एयर, किसी ने आके टच नहीं किया, किसी ने आके छेड़ा नहीं। चलो जी जरा शेड्स लगा लेते हैं, मैचिंग द जैकेट, ऑरेंज सही लग रहा है, यही चाहिए। अच्छा ले लेना, आप भी ले लेना। अच्छा में अभी आप क्या बता रहे थे हायबूसा के बारे में? ये सेकंड हायबूसा है भूटान में। अरे बहुत अच्छा फील हो रहा है, ऐसा सुना जब इन्होंने बोला सेकंड या थर्ड है तो दिल खुश हो गया। इससे पहले ब्लैक आया है, ब्लैक वाला एक आया था, ब्लैक आया था ऑफिशियली, आपने देखा उसको? हाँ, वो रास्ते पे था। अरे वाह वाह, नॉट श्योर कितने आए बट हम तो आए, ये गारंटी है, और आप लोगों ने भी देखा, क्यों भाई, सही बात है। वैसे एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पे आधा घंटा जो कार है पार्क करने के लगते हैं 50 रुपीज, तो उस हिसाब से हमने एक कार का ये पार्किंग ले रखा है और एक कार का वो पार्किंग ले रखा है, तो दो गाड़ी के हिसाब से अभी हमने पे किया 300 रुपया।
जो कि स्टार्ट हुआ सुबह 9 बजे के बाद से। सुबह 9 बजे तक पार्किंग यहाँ पे एग्जैक्टली फ्री है और यही पैटर्न में आपको पार्क करना पड़ता है गाड़ी भी और बाइक भी डायगोनल। तो सामने में है ली मेरिडियन। यहाँ का ना आर्किटेक्चर कुछ ऐसा ही है, आपको सारे बिल्डिंग्स ना ऐसे नज़र आएंगे ट्रेडिशनल मैनर में, जो आपने देखे होंगे मोनेस्ट्रीज वगैरह, उससे मिलता जुलता पैटर्न है एक्सटीरियर का। इवन अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी कलाकारी रहती है, फोटोग्राफ्स बहुत अच्छी लगी रहती हैं। किंग की फ़ोटो रहती है, किंग की फैमिली की, रॉयल फैमिली की। नाउ वी टेकिंग अ राइट। एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी पिछले 2 दिन में ना, यहाँ पे बिल्कुल भी कचरा आपको नहीं मिलेगा, गंदा नहीं नज़र आएगा कहीं पे भी। और ट्रैफिक का क्या कहना, आप एक हॉर्न नहीं ऑब्जर्व कर सकते। आप पूरा वीडियो नोटिस करना, कहीं पे भी आपको कोई हॉर्न का आवाज़ सुनाई नहीं देगा। सो खन्ना जी का तो पहला इंटरनेशनल ट्रिप है, बहुत खुश हैं, घर में फोन करके रिश्तेदारों को सबको फोन कर करके कही जा रहे हैं। सबसे टाइम पूछ रहा हूं, टाइम क्या हो रहा है यहां पे तो आधा घंटा। और सबको ना एक चीज स्पेसिफाई कर रहा है, वहां टाइम क्या हो रहा है, यहां तो इतना हो रहा है जी। सबको बता रहा है कि हमारे यहां आगे का आधा घंटा चल रहा है। सही है बहन, यही खुशी इंपॉर्टेंट है ना भाई। एंड इवन योर प्लेस इज वेरी क्लीन ना, खुशबू हवा में देख कितना क्लीन एयर है, मतलब नो पॉल्यूशन है लोगों की, ये स्पेसिफाई करना चाहोगे। एंड यहाँ का 100 का नोट लगभग ऐसा दिखता है। एंड देन वी हैव 500 रुपीज़ नोट। इनफैक्ट मुझे आज एक मिला था 5 रुपये का भी नोट। सी वाओ, 5 रुपये का नोट, दिस इज़ वेरी गुड। इसको तो मैं इंडिया लेके जाऊँगा। तो चूल्हा इज़ अ पास एंड वी गोना पास। एनीवेज हम लोग हैं दो चूल्हा पास में, मौसम हो रहा है मस्ताना, दिल हो रहा है सुहाना, मतलब उल्टा बोल दिया, दिल है सुहाना, मौसम मस्ताना, जो भी समझ लो। ओ ये क्या है, जस्सी मेरा भाजी, दूसरे देश में मिले हम, क्या बात है, दुनिया गोल है, दुनिया छोटी गोल है, दुनिया, अभी अभी रिलाईज हुआ। सो यार आपने देखा होगा जस्सी को मेरे साथ मिलता रहता है BIC पे और अच्छी अच्छी पिक्चर्स खींचता है, और मैं तो हमेशा रेकमेंड करता हूँ, बंदे का जो आई है ना बहुत बढ़िया है। कैमरा ना हर कोई ले लेता है, जैसे खन्ना जी ने भी लिया हुआ है, कहने का तो 3 लाख का कैमरा है बट फोटो एक ढंग की नहीं खींचते हैं। पूरे ट्रिप पे हम लोग यही देख रहे हैं, आंख 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 होनी चाहिए। जस्सी भाई कहाँ से आ रहा है अभी तू? मैं आ रहा हूँ नीचे फर्टिलिटी टेम्पल से। ओहो क्या जगह है, मतलब पहली बात तो मेरे को लगा था मजाक है वो जगह, लेकिन वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है वो भाई। आज वही जाना है, आज वही देखना है, और शायद मैं थोड़ा सा पार्ट डाल पाऊँ व्लॉग में और थोड़ा ना डाल पाऊँ। पहली बार चलाए इंटरसेप्टर, बाद में बताएंगे कैसा लगा। Now we are heading towards Punakha Valley, but उससे पहले एक halt लेंगे हम लोग fertility temple में, क्योंकि हमने ना Nat Geo पे, Discovery पे, YouTube पे देखा है, but अब life में पहली बार देखेंगे कैसा होता है, so we are excited for that. Overall तो दिन सही जा रहा है, थोड़ी सी भूख लग रही है, यहाँ पे कैंटीन था जहाँ हम रुके थे, but ज़्यादा अच्छा options नहीं था खाने को। So let's see कहाँ एक final वाला hot लेंगे for a good tea and something to eat. Overall slow pace पे ही दिन निकल रहा है, ज़्यादा कुछ आज किया नहीं है। टिम्पू से चले थे, उसके बाद इस पास पे रुक के हमने 2 घंटे लगाए और अब आगे बढ़ चले हैं हम, बढ़ चले ये मन चले। So we have reached, हमारा होटल आ गया है पुनाखा वैली के अंदर में,
राइड का मजा आया. बीच में हमने एक घंटे का हॉल्ट लिया था. वी वर जस्ट सर्चिंग फॉर दैट व्हाट यू कॉल इट फर्टिलिटी टेम्पल बट हमें नहीं मिला. वी गोना ट्राई इट टुमारो. काफ़ी मज़ा आया. मौसम अभी ठंडा ही है और ये प्रॉपर्टी मुझे बहुत अमेजिंग लग रही है, बहुत अमेजिंग. तो मे बी हो सकता है बाइक से उतरने के बाद मैं आपको अपने होटल का रूम टूर दूँ. एंड अब बाइक्स पार्क कर देते हैं सेफ. मैं थोड़ा तरीके से इधर को लगा देता हूँ अभी के लिए. वैसे नाइट राइड करते करते ना मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था कि सबकी जैकेट्स में ना रिफ्लेक्टर्स बहुत अमेजिंग लगे हुए हैं. पीछे से ना बहुत अच्छी विजिबिलिटी आती है हर राइडर की. इनफैक्ट जो आप ये बैग्स दिख रहे हैं ना गॉड्स कंपनी के, इनके ऊपर भी बहुत बढ़िया रिफ्लेक्टर लगा हुआ है दोनों साइड में हेयर, जिसमें उनका लोगो चमकता है और बहुत अच्छी विजिबिलिटी होती है हाईवे पे अंधेरे के अंदर में. सो आई रिकमेंड आप ऐसे ही कुछ कपड़े पहनो जो विजिबल रहे डार्क में भी. आपकी सेफ्टी आपके हाथ. हम तो चले वही है अपने रूम में और जस्ट हमें पता लगा कि यहाँ पे स्पा भी है. भूत 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 चढ़ गए हमारी भाई. खुश है ये बात जान के कि कल हम बिना लगेज के बाइक चलाएंगे. खुशी और भी चीजों क्योंकि क्योंकि इसकी बाइक पे बहुत सारा लगेज टंगा हुआ है और कल बिल्कुल फ्री होके बाइक चलाएगा. तो दैट्स व्हाई ही इज सो हैप्पी. यस इनफैक्ट ही इज वेयरिंग द जेसन नेशन टी-शर्ट एंड यू कैन आल्सो बाय दिस टी-शर्ट फ्रॉम आवर वेबसाइट jasonnation.com. लिंक दे रहा हूं मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर. फटाफट जाओ खरीद डालो. बहुत सही. बुला रही है क्या? इसलिए शायद भी है कि कंधे बहुत दर्द हो रहे हैं, पीठ में दर्द निकला हुआ है, इसलिए अभी स्पा का टाइमिंग हमने बुक करा है, अपॉइंटमेंट ले रखा है. आज है? अभी है. एक अभी है, बाकी कल है. खुशी देखो चेहरे में. नहीं 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 भाई, मैं खुश. कौन सी फोन? रूम में छोड़ दिया. जो हमारा पुलक है ना बहुत भुलक्कड़ है, हर जगह ना कुछ ना कुछ चीज छोड़ देता है. अभी फोन छोड़ गया, फोन हमने जेब में डाल दिया और हम प्रटेंड कर रहे हैं कि हमारे पास नहीं है. वैसे यार कैसा खाना था? खाना एकदम मस्त था लेकिन अच्छा नहीं लगा. पथेटिक था, झूठ बोल रहा. कैमरा ऑन है, एकदम मस्त था. सुनो मैं अभी अंदर क्या बोल रहा हूं. सुनो मैं बोल देता हूं. हेलो हेलो, फिर से पूछो. आज जो है ना, आज आओ इधर लाइट में, लाइट में फोकस, लाइट में हमसे पूछो. हम बोलेंगे आज क्या खाए क्या नहीं खाए. खाना वाज भाइयों एकदम सॉलिड था, एकदम एकदम थर्ड से भी क्या बोलूं, कोई क्लास ही नहीं था साला खाने का. इससे अच्छा क्लास ही नहीं था. इससे अच्छा खाना तो बब्बू भाजी बना लेते. इससे बढ़िया तो भाई नमकीन बिस्कुट भाई को जार लेता मैं, ज्यादा बढ़िया रहता मेरा. दोपहर का नमकीन बिस्कुट. हमें ना इतनी भूख लगी थी और बहुत होप से ना हम लोग यहाँ गए थे क्योंकि यार प्रॉपर्टी इज अमेजिंग. हमें लगा खाने को भी बहुत अच्छा मिलने वाला है बट बैंड बजा दिया. इट वाज वेरी होपलेस. उम्मीद है कल का स्पा ऊंची मकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान वाला हिसाब हो गया. तो बस लुल हो गया हमारे साथ. क्या बताए भैया, क्या बताए, धोखा हो गया भाई. और सब लोग स्पा में घुस रहे हैं. और चलो बुल्लू भाई को तो इतना खराब खाना लगा कि गुस्से में उन्होंने हाथ तक नहीं धोए कि इस रेस्टोरेंट में हाथ भी नहीं धोऊंगा. देखो हाथ भी नहीं धोए. चलो एनीवेज गाइस, अभी क्या कह रहे हैं, हम लोग रूम में जा रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और यूट्यूबर्स लाइव यूनर जाके डेटा कॉपी करेंगे, एक दूसरे का फुटेजेस चेक करेंगे कि ऑडियो क्वालिटी आया नहीं आया, क्योंकि यार ये भी बड़ी पंगा रहता है. कल वाला ऑडियो मैं देख रहा था आज सुबह होटल में बैठ के, तो थोड़ा थोड़ा ना रश शाम के शॉट्स हैं आफ्टर द रेन वो डिस्टर्ब हो गए, उसके अंदर ऑडियो खराब आ रहा है. सो ये हमारा लाइफ का चलता रहता है. बट एनीवेज वी होप कि आपका लाइफ मस्त चल रहा हो, आप वीडियोस एंजॉय कर रहे हो. अगर एंजॉय कर रहे हो दोस्तों तो पता आपको आपको क्या करना है. इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ में शेयर करना है. और इनफैक्ट एक चीज़ और बोलूंगा, यहाँ पे हमारे साथ दो और यूट्यूबर्स हैं, उनमें से एक है हमारा आइडियल राइडर. इसका भी चैनल है आइडियल राइडर, स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, जाके फॉलो कर लेना. और जो बुल्लू भाई है हमारे बैंगलोर से, अगर आप अभी नहीं उनके चैनल पर सब्सक्राइब किए हो तो फटाफट जाके उनको भी सब्सक्राइब करना. इसी नोट पे कर दे वीडियो क्लोज. मेहनत हमारी, रहमत उसकी, प्यार आप सभी का. बाय बाय बाय. कहाँ फोन है यार, मेरे पास दो ही फोन है. क्या हो गया भाई? अरे मेरा फोन ले लिया किसी ने. किसने ले लिया? चेक करो. मेरे पास नहीं है, मेरे पास मेरा ही है. किसने लिया? ये लग रहे हंस रहा है, इसने लिया. भैया मेरा है भैया, वो आई हैव ओनली माय ऑन फोन. अरे वहाँ पर नहीं है. कहाँ रखा था? अरे वहाँ वही पर रखा था, टेबल पे. उनको नंबर नहीं मालूम,
तुमको फोन नहीं मालूम ठीक है। अरे भूटान का नंबर, एक सेकंड चुप। इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? बबूबा जी। इनका सनी खन्ना। असली नाम? पूरा नाम? ओमकार। ओमकार हाँ खन्ना। उनका नाम? उनका नाम, उनका नाम नहीं जी एस पाजी मालूम है, जसविंदर सिंह कुछ बता दे ना। ठीक है ना, कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन। जे एस विलम्स, जे एस विलम्स।